सिंगरौली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला जेल में 21 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल सहित प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सिंगरौली के जिला जेल में पुरुष और महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जेल प्रहरी से लेकर जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी दहशत में हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों जेल में बंद कैदियों में कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने 25 कैदियों के सैंपल जाँच के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजे, जिसमें से 21 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैदियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी और कैदी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसके साथ ही जिले में 4 अन्य जगहों से कोरोना पॉजिटिव के केस मिले हैं। सिंगरौली जिले में कल 25 नए कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें सर्वाधिक 21 केस जिला जेल जो पचोर में स्थित है वहाँ आए हैं। इसके अलावा दो केस दुजीजुआ क्षेत्र से हैं और अतिरिक्त दो केस जो से पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से आए हैं। इस तरीके से कुल मिला के जिले में जो केसेज हैं उनकी संख्या 114 हो गई है और इनमें से वर्तमान में 60 केस कोरोना के एक्टिव जिले में हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।